गाइस कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ अमेज़न पे लेटर किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं 2023 में अपने स्मार्टफोन से घर बैठे इजी। आप सभी को सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना समय में एक्टिवेट हो जाएगा, कितना आपको लिमिट्स मिलने वाला है और क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सूरज, आप देख रहे हैं टेक हेल्पर सूरज यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पहली बार है हमारे तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये पता चल सके किस तरीके से अमेज़न पे लेटर एक्टिवेट कर सके वो और इसका फ़ायदे ले सके भविष्य में। तो चलिए अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पर आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अमेज़न अकाउंट क्रिएट करके अमेज़न का जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो ये आपको करना है, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक अपना अमेज़न अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आई बटन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया किस तरीके से आप अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो उस वीडियो को आप देख के अपना अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद अमेज़न पे पर आना है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। प्राइवेसी इश्यूज हो सकता है कुछ, मैं ब्लर कर दूँ तो आपका स्टेप सेम फॉलो करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है अमेज़न पे लेटर, इस पर आपको लिखा हुआ है ब्लू कलर में गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है अमेज़न पे लेटर, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा बाय नाउ पे लेटर, यानी कि इस फीचर का या आप कह सकते हैं इस फंक्शन का जो मेन पॉइंट यही है कि आप यहाँ से जो आपको पैसा दिया जाएगा, जो लिमिट्स होगा उससे आप कुछ भी बाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप पेमेंट नेक्स्ट मंथ में आपको करना है, खर्च किया है वो जमा कर देना है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि मान लीजिए आपको अभी कोई चीज़ रिचार्ज वगैरह करना है या फिर कुछ शॉपिंग करना है ज़रूरी है तो यहाँ से आप शॉप कर लीजिए, आपको पेमेंट मिला या आपके पास पैसा कहीं से आया आप इस पर जमा कर दीजिए तो आपको क्या होगा, इससे राहत मिल जाएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है बाय नाउ पे लेटर, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं, बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं यहाँ से टिकट अमेजन से, इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 60,000 बताया जा रहा है, नो हिडन चार्जेस बताया जा रहा है, फास्ट एंड ईजी वन क्लिक पेमेंट बताया जा रहा है यहाँ पर आप सभी को। साइनअप करने के लिए यहाँ बताया जा 60 सेकेंड में आपका साइनअप हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सभी को ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे amazon.in प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट बताया जा रहा है। यहाँ पे आप सभी को फर्स्ट में यहाँ पे बोला जा रहा है एंटर डिटेल्स, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है टिक लगा हुआ है और उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम अपना पैन नंबर डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं वेरीफाइंग डिटेल्स बताया जा रहा है, डन हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ मतलब डन हो गया है, यहाँ पे रिडक्ट कर दिया गया हमारे को KYC प्रिफ्रेंस OTP बेस्ड, आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर OTP बेस्ड बताया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी को आधार नंबर डालना है, ठीक है ना, चाहे VID नंबर आप डालना चाहते हो VID नंबर डाल सकते हैं, आधार का ही VID नंबर होता है। तो आपको मोबाइल नंबर या जो भी आपने रजिस्टर कर रखा है ईमेल ID उस पर भेजा जा सकता है। तो KYC आपको कर लेना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में। यहाँ पे मैं आपसे को बता दूँ, मैंने अपना आधार नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर दिया है, अब हमें क्या करना है एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपसे भी देख सकते हैं हमारी डिटेल है, वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पर आपसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर होगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे OTP एंटर करना है, आपसे को टाइम दिया जाएगा, वो यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा होगा 1.5 मिनट का शायद टाइम होता है। यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर होगा उस पर यहाँ पे भेज दिया जाएगा OTP, तो आपको डाल लेना है। तो गाइस हमने यहाँ पे अपना OTP एंटर कर लिया है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है, आपसे भी देख सकते गाइज। तो हमारा जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का प्रोसेस है हो गया है, एक प्रोफाइल हमारा जो डन बताया जा रहा है, यूलेटेड प्रोफाइल डन और कंग्रेचुलेसन यूअर अमेज़न पे लेटर अप्रूव्ड क्रेडिट इज़ 2000 यहाँ पे बताया जा रहा है।
ये आपके भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। आप यूज़ करते हैं कितना पेमेंट यहाँ से, और आपका जो रीपेमेंट होता है यानी कि इनके पास जो पैसा आपने लिया है वो जमा करते हैं, उसका क्या हिसाब किताब है आपके पास, आप सही से पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, उसके हिसाब से आपको आगे ये बढ़ा दिया जाएगा। अगर 2,000 है तो 2,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, टाइम टू टाइम अपना पैसा अपना जो भी है वो अपडेट करते रहिएगा। आप अपना काम कीजिए, महीने के अंदर में आप पेमेंट कर दीजिए, पैसा मिले तो अपना बैलेंस जो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, टिक का एक ऑप्शन मिल रहा है, रिसीव नोटिफिकेशन ओवर व्हाट्सअप फ्रॉम एक्सईओ। तो आप व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस पर रहने दीजिएगा, नहीं तो एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, चेकबॉक्स टिक रहने देते हैं, व्हाट्सअप पर भी नोटिफिकेशन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है, हमारा एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाले हम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ ऑटो रीपेमेंट सेटअप बताया जा रहा है, ये वन टाइम सेटअप टू ऑटो पे योर मंथली ड्यूज। तो आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है बैंक का नाम, जो भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना बैंक का नाम। यहाँ पे नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंक से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइज यहाँ रीपेमेंट मोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपसी को देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड, और इस पर सेलेक्ट कीजिएगा तो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आपसी को देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो हमने डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड ही रहने देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप सभी का जो सब कुछ बैंक डिटेल है वो देखने को मिल जाएगा, बैंक नेम मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको टाइप करके वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम अकाउंट नंबर टाइप करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हमने अपना बैंक डिटेल डाल के वेरीफाई कर, जब हमने वेरीफाई कर लिया तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ग्रीन टिक आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपका नाम वगैरह देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट देखने को मिल जाएगा, और स्टार्ट डेट देखने को मिल जाएगा, एंड डेट देखने को मिल जाएगा, यूटिलिटी कोड पर्पस सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो कैंसिल पेमेंट और पेमेंट पर प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपसे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपसे को लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया है, तो हमने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दिया है, तो प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ OTP आएगा, आपको OTP डाल लेना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया, लॉगिन सिक्योरली पे क्लिक कर लेते हैं। रिक्योरिंग पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पे आपसे को देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से अकाउंट नंबर, मर्चेंट नेम, अमाउंट यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको देखने को मिल जाएगा, पर्पस ऑफ मैंडेट यहाँ पे आपसी को देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, कार्ड नंबर जो भी है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं जो डेबिट कार्ड सेलेक्ट किए ऑप्शन, तो एक्सपायरी डेट और CVV नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। चलिए फटाफट ये सारे डिटेल फिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड पे आपसी को देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन, प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ऑटो रीपेमेंट सेटअप सक्सेसफुली, योर ऑटो रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन हैव बीन सक्सेसफुल अपडेटेड। यहाँ पे आपको बताया जाएगा यूटिलाइज्ड क्रेडिट 0, अवेलेबल क्रेडिट 2000 और टोटल अप्रूव्ड क्रेडिट 2000 यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आपका यहाँ पे अमेजन पे लेटर अकाउंट का जो है डिटेल वो सब कुछ मिल जाएगा, सेटअप हो चुका है आपका अमेजन पे लेटर अकाउंट, और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2000 आपका मिल चुका है आपको, मैं आपसे को दिखा दे। तो चलते हैं हम अमेजन पे लेटर अकाउंट पे और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज हम फिर से यहाँ वापस आ चुके हैं और यहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपसे भी देख सकते हैं हमारा जो अमेजन पे लेटर है यहाँ पे 2000 मिल चुका है, 2000 का अमाउंट आपसे भी देख सकते हैं देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कोई कैशबैक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे जो भी अमाउंट है हमको देखने को इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से आप जो भी रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है ना, अमेजन पे लेटर अकाउंट से। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आप अमेजन पे लेटर अकाउंट बनाएं, और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा लगा हो, लेकिन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया। मैं चाहता तो काफ़ी कुछ स्किप कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्किप कर देंगे तो काफ़ी कुछ ऐसे डिटेल हैं यहाँ पे जो सभी मेरे को लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने वीडियो को स्किप नहीं, एक एक पार्ट मैंने आपको बारीकी से दिखाया। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही हेल्पफुल अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।